वीडियो शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि ये चैप्टर का जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपको बिल्कुल परेशान ना करे। देखिए चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। तो उपसहसंयोजक यौगिक संक्रमण धातु बनाते हैं, संक्रमण धातु उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं और आंतरिक संक्रमण धातु बनाते हैं, ज़्यादातर संक्रमण धातु ही बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखे रहेंगे तो आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट से हल हो जाएंगे। तो जी हाँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में और हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्न उपसहसंयोजक यौगिक से। पहला आपका जो मतलब कि प्रश्न है वो मेरे कॉन्सेप्ट से ही आया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। इसमें कौन सा आयन ऐसा है जो उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। तो बच्चों ध्यान दो, सोडियम आयन तो कोई संक्रमण धातु का आयन है, क्रोमियम संक्रमण धातु है, कोबाल्ट संक्रमण धातु है, ये भी क्रोमियम संक्रमण धातु है। लेकिन सोडियम जो है वो एक मतलब कि क्षार धातु है और क्षार धातुएं कभी भी उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाती, इसलिए इसका पहला जवाब यही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है कि यह लिगेंड त्रिदंतक है। त्रिदंतक का मतलब होता है जिसमें तीन मतलब कि उपसहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है जिस लिगेंड में, वो लिगेंड आपका त्रिदंतक होता है। तो हमारे इस प्रश्न में कई जवाब मतलब कि यहाँ पर हैं, तो कौन सा जवाब जो है इसमें सही हो जाएगा। आपका पहला इसमें जो है DMG, ठीक, इसका जो पूरा मतलब कि ये था DMG, फिर पाइपिरिडीन, फिर AC है, ठीक, फिर आपका डाइईन। तो इसमें कौन सा आपका ऐसा लिगेंड है जो त्रिदंतक है। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर आपको दिखा देते हैं। त्रिदंतुक यानी त्रिदंती लिगेंड में ये आपका है डाईएथिलीन ट्राइएमीन, जिसे हम डाईईन के नाम से भी जानते हैं। डाईएथिलीन ट्राइएमीन को हम डाईईन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास है यहाँ पर, तो ये तीन जगह से उपसहसंयोजक बंध बना सकता है, इसलिए डाईईन आपका जो हो जाएगा वो कैसा आपका लिगेंड हो जाएगा, त्रिदंतक लिगेंड हो जाएगा। कैसा लिगेंड हो जाएगा, त्रिदंतक लिगेंड हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि EDTA इस धनायन से संयोग करके बनाता है। तो EDTA क्या बनाता है, देखिए EDTA जो है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट जो है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट या सॉरी ट्राइएसीटेट भी होता है और टेट्राएसीटेट भी होता है, ठीक। तो उसमें बैलेंसी का फर्क होता है, ट्राइएसीटेट में 3 बैलेंसी होगी, टेट्राएसीटेट में 4 बैलेंसी होगी। तो कोई भी आपका हो वो क्या बनाएगा, आपका कीलेट बनाता है। क्या बनाता है, कीलेट। जब ये अधिक संयोजकता वाले मतलब कि अधिक जिनकी जो क्या कहते हैं दंतुरता जो है 3 या 3 से अधिक होती है तो वो आपके कीलेट ही बनाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कीलेट। नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि CrNH3 पर CrNH3 का होल ट्वाइस F4 पर माइनस, इसमें CR की ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछ रहा है। CR की क्या पूछ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या, कि CR की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितना निकल कर आएगी। तो ये हाँ हम कैलकुलेट करके आप सभी को बताना चाहेंगे कि CR की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल कर आएगी। X मान लेते हैं उसका, NH3 का आपका 0 हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई संयोजकता नहीं है। एफ का -1 हो जाएगा, आप सभी को मालूम है, और एफ है कई ठो 4 ठो, और पूरे कंपाउंड पर -1 मतलब कि चार्ज है, इसलिए -1 के बराबर लिख देते हैं। तो एक्स -4, 1 का 4 बराबर -1, तो माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा 4 -1, ये माइनस तो रहेगा ये जाएगा प्लस में। तो एक्स बराबर 4 में से 1 गया कितना आएगा, +3। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, +3, यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी इस मतलब की क्वेश्चन में, वो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था आपकी +3, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका इस छठे मतलब कि इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है कि उपसहसंयोजक यौगिक जो ये आपका दिया गया है, इसकी उपसहसंयोजन जो क्षमता है या उपसहसंयोजन संख्या जो है वो कितना आएगा। तो देखिए ये आपका जो है, ये कई लिगेंड जोड़ा है प्रकार से 2 2 4 मतलब 2 ठे
ये आपके एथिलीन डाइएमीन का जोड़ा है और उसके बाद जो है दो ठो ब्रोमीन का जोड़ा है। तो उपसहसंयोजक या जो संख्या होती है वो कैसे डिफाइंड की जाती है, कितने उपसहसंयोजक बंध बने उससे डिफाइंड करते हैं। तो ब्रोमीन से एक को बन जाएगा एथिलीन एथिलीन डाइएमीन दो ठो बनाता है, तो दो ठे एथिलीन डाइएमीन किट बनाएगा चार ठे, तो दो चार ये हो जाएगा दो ये कितना हो जाएगा आपका छः। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या जो है वो छः है, संख्या नहीं पूछ रहा है, उपसहसंयोजन संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर आक्सीकरण संख्या नहीं पूछ रहा है, उपसहसंयोजन संख्या कि कितने बंध बनाएगा वो, तो छठो बनाएगा। नंबर नेक्स्ट, ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें कोबाल्ट की आक्सीकरण अवस्था यहाँ पर हमको डिफाइन करना है। तो आक्सीकरण अवस्था हम लोग कैसे निकालते हैं, आक्सीकरण अवस्था अभी हमने आपको एक क्वेश्चन का निकाल कर समझाया कि कंपाउंड आप अगर ले लीजिए उसके बाद जो है जिसका पूछे उसका यक्ष मान लीजिए, फिर NH3 का जीरो होगा चाहे पाँच का गुणा करो चाहे जिसका गुणा करो, ठीक। उसके बाद Cl का माइनस एक हो जाएगा, ठीक। अब ये Cl2 लिखा यानी ये Cl जैसे ही हटेगा तो यहाँ पर प्लस दो आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस दो, यानी पूरा इसके बराबर में क्या आ जाएगा प्लस दो, तो यक्ष माइनस एक बराबर प्लस दो, तो माइनस में उधर जाएगा प्लस में तो ये हो जाएगा प्लस तीन, यानी यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आती है वो प्लस तीन निकल कर आएगी, कितनी निकल कर आएगी प्लस तीन, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन प्लस तीन। नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में रंगहीन संकुल आयन है, जो रंगहीन संकुल आयन की बात करेंगे तो रंगहीन वही होंगे जिनके अष्टक जो है जिनके डी ऑर्बिटल जो हैं उसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वही रंगहीन संकुल आयन बनाएंगे, ये बात ध्यान दीजिए वही बनाएंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है जिसमें हम NH3 की बात करें तो इसके ऊपर कोई मतलब कि चार्ज नहीं होता, तो जब कोई चार्ज नहीं होता ये प्लस दो किसका है जिंक का, जब जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके डी ब्लॉक में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं जो अयुग्मित हो, तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, अर्थात ये कैसा मतलब कि आपका संकुल बनाएगा रंगहीन संकुल बनाएगा। नंबर नेक्स्ट, यह आयन प्रतिचुंबकी है, तो कौन सा आयन प्रतिचुंबकी होगा, तो मैं बार बार बोलना चाहूंगा जिस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकी होगा, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए जिस आयन में। तो पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन को जब आप यहां पर इसका निकिल का आक्सीकरण अवस्था जब निकालेंगे तो उसकी आक्सीकरण अवस्था निकालने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आपको देखने को मिलेंगे उसमें ऐसा कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हो मतलब होगा जो अयुग्मित हो, तो अगर अयुग्मित नहीं होगा इसका मतलब वो कैसा होगा का प्रतिचुंबकी होगा, कैसा होगा प्रतिचुंबकी, NiCN4 पर डबल माइनस जो है ये प्रतिचुंबकी मतलब की पदार्थ का उदाहरण है, ठीक। आगे चलेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसकी ज्यामिति वर्ग समतली होती है, तो वर्ग समतली का एक ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा और उसका ऑप्शन जो है एक ही सही हो जाएगा, NiCN4 पर जो है डबल माइनस, ये वर्ग समतली आकृति होती है DSP2 संकरण होता है, जिसमें DSP2 संकरण होगा वो आपका वर्ग समतली आकृति दिखाएगा, तो इसमें DSP2 संकरण है इसलिए वर्ग समतली आकृति दिखाएगा। अगला नेक्स्ट है आपका प्रति कैंसर अभिकारक के रूप में उपयोगी यौगिक, तो प्रति कैंसर अभिकारक के रूप में कौन सा उपयोगी है, तो दूसरा समपक्ष PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, ठीक। ये आपका जो है प्रति कैंसर अभिकारक के रूप में जो है उपयोगी यौगिक माना जाता है। नंबर नेक्स्ट है CO का होल 6 की प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण का मान है, तो इसका जो उत्तर आपका निकल कर आएगा शून्य, क्योंकि देखिए CO जो है एक जो है उदासीन लिगेंड है और वो उदासीन लिगेंड में सिक के साथ जब ये CR जब उससे मतलब जुड़ेगा तो उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं देखने को मिलेगा तो उसका जो आक्सीकरण संख्या होगी सॉरी जो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण वो कितना निकल कर आएगा शून्य निकल कर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये इस प्रश्न का जवाब शून्य होगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर जरूर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद वंदे मातरम।